Next one, execution process of user defined functions or for any functions. Means अभी तक simply आपने program का execution normal mode में perform कराया था, but suppose that अगर आपने कोई भी user defined function create किया है, इस program का internally memory के form में किस type से execution process complete होगा? अगर previous sessions के comparison बात करें, function के respect में session आपके लिए सबसे important case होगा to know about how to process this execution process, execution sequence of this given program. इस केस में सबसे पहले consider करें इस program का name क्या, suppose a.c. इस अगर आपको हो सकता है function execution process आपको ऑलरेडी क्लियर हो, और ऑलरेडी क्लियर तब भी वे सारा का सारा डायग्राम को पूरा का पूरा फॉलो करना, मींस 100% आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे. इन दैट केस a.c फाइल नेम क्या, इस केस में a.c ऑलरेडी आपको क्लियर, मींस जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं फाइल क्या, परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट है तो इसलिए फाइल ऑलवेज क्रिएट का वो इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी, इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी. बिगिनिंग सेशन में डिस्कस किया था बेसिक्स ड्यूरिंग बेसिक्स ऑफ सी. जब भी कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है, मींस जब प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के अकॉर्डिंग प्रोग्राम इनिशियली परमानेंटली कहां से, वो इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम लोड कहां होगा, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम. किसी भी प्रोग्राम को लोड एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सीपीयू और प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सेम एज इन दैट केसेस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रोसेसर और सीपीयू विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इनिशियली अगर प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें, प्रोग्राम अवेलेबल किस प्लेस पर, इनसाइड हार्ड डिस्क मेमोरी. ये सबसे पहले इस प्रोग्राम को प्रोसेसर के लिए अवेलेबल कराने के लिए प्रोग्राम लोड कहाँ करेंगे, फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस किया था किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली हार्ड डिस्क मेमोरी से प्रोसेसर के लिए एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है. दिस वन इज समथिंग RAM memory, this one is a device something RAM. Then this is spaceless elements. Next case mein consider karna hai ja CPU or processor. Hard disk ka interaction kisse ko, always RAM se, aur RAM ka interaction kisse ko, always CPU or processor, like that. इनिशियली इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में है, सोर्स कोड के फॉर्म. नेक्स्ट प्रोसेस क्या, समथिंग कंपाइलेशन. कंपाइलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास फाइल क्या, मीन से सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में होंगे, फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में. नेक्स्ट, जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, प्रोग्राम इनिशियली हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी में लोड होगा. जब इस फाइल के इंस्ट्रक्शंस रैम मेमोरी में लोड होंगे तो रैम के अंदर किस प्लेस पर लोड होंगे, इनिशियली इनसाइड मेथड एरिया. रैम क्या है, रैम इज अ फिजिकल डिवाइस, लेकिन इसके कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस पॉसिबल होते हैं, लाइक अ स्टैक हीप लाइक दैट. सिमिलरली मेथड एरिया, मेथड एरिया में स्टोर किया हुआ मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूटेबल कोड इंस्ट्रक्शंस. जैसे इस प्रोग्राम का लोडिंग परफॉर्म हुआ, लोडिंग फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, किस प्लेस पर लोड हुआ, इनसाइड मेथड एरिया. मेथड एरिया क्या है, सारे केस में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स. नेक्स्ट, प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में, प्रोसेसर और सीपीयू प्लेस पर कुछ मेमोरी प्लेसेस फाउंड होते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स. जनरली मेमोरी टू प्लेसेस पर एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है, आइदर रैम और इनसाइड प्रोसेसर. रैम के केसेस में मेमोरी को कंसीडर किया जाता है एज अ बाइट्स. रैम के अंदर मेमोरी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ बाइट रिप्रेजेंटेशन. सेम एज प्रोसेसर के केस में मेमोरी को नेम देंगे एज अ रजिस्टर मेमोरी और सीपीयू मेमोरी. CPU registers, मीन CPU के केस में कई सारे प्रीडिफाइंड रजिस्टर्स पॉसिबल, मे बी 16 रजिस्टर्स, 32 रजिस्टर्स. इस केस में रजिस्टर थिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट किस है, CPU रजिस्टर्स का कभी कोई मेमोरी एड्रेस नहीं होता, सभी रजिस्टर्स एक्सेस होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेम, समथिंग AX, BX, CX, लाइक दैट एंड सो ऑन. इस केस में AX रजिस्टर को कंसिडर करूंगा एज अ एक्यूमुलेटर रजिस्टर. दिस वन इज accumulator register. What is the use of accumulator register? Means recently अगर operating system को processors के through कोई भी arithmetic operations perform हुआ, किसी भी type का operations, operations related always generate क्या होंगे, some results, generated results always store क्या होंगे, inside CPU registers, like that.
प्लस जब भी किसी ऑपरेंड्स के लिए कोई ऑपरेटर अप्लाई हो तो ऑपरेंड्स रिलेटेड वैल्यू पहले लोड कराऊंगा इनसाइड सीपीयू मेमोरी, देन ओनली सीपीयू और प्रोसेसर्स के लिए ऑपरेशंस अप्लाई करना पॉसिबल है। इसका भी इंटरेस्टिंग थिंग्स है। फर्स्ट वन, जैसे इस केस में प्रोग्राम का लोडिंग हार्ड डिस्क से रैम में परफॉर्म लोडिंग के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप, इनिशियली अभी हमें एग्जीक्यूटिव कोड और मशीन कोड अवेलेबल के स्पेस पर इनसाइड मेथड एरिया और वी कैन से रैम मेमोरी, रैम मेमोरी के अंदर कौन सा पार्टीशन, मेथड एरिया। दूसरा केस क्या था, इसके साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग प्रीवियस सेशंस, मीन्स रैम के अंदर अदर लॉजिकल पार्टीशंस कंसीडर करेंगे एज अ स्टैक एरिया। सपोज दैट स्टैक के अंदर 2 2 bytes के ब्लॉक्स अवेलेबल, देयर आर मीन्स इन ब्लॉक्स का साइज क्या, समथिंग 2 bytes, एड्रेस मे बी 100 98, ओनली एजम्पन्स 96 94 92 90 एंड सो ऑन लाइक दैट। इनिशियली अगर बात करें एग्जीक्यूटिव कोड के स्पेस पर लोड हुआ इनसाइड मेथड एरिया, लेकिन स्टैक के केस में लोड क्या हुआ, मीन्स जब भी किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में हमेशा एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट होता है, फ्रॉम अ मेन फंक्शंस, मीन्स चाहे मेन फंक्शंस की बात करूँ और एनी फंक्शंस, जब भी कोई किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन टाइम पर सारे के सारे फंक्शंस लोड होंगे इनसाइड स्टैक एरिया। किसी फंक्शन को स्टैक में लोड करेंगे जनरली टू पर्पज होंगे, स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस ऑफ द स्टैक, सो रिटर्न एड्रेस ऑफ द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट और एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर लोकल वेरिएबल्स, सारे के और फिर से मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग रिकर्सन्स। सिंपली मीन्स थिंग्स को सिंपल रखना है। फर्स्ट वन, लोडिंग के जस्ट बाद एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मेन फंक्शन, सीक्वेंस प्रोवाइड करो 1 2 3 के फॉर्म में मेन फंक्शन, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा कोई भी फंक्शन कॉलिंग टाइम पर लोड कहाँ होगा इनसाइड स्टैक मेमोरी। जनरली किसी प्रोग्राम के लिए लोडिंग टू प्लेसेस पर पॉसिबल, मेथड एरिया और स्टैक एरिया। मेथड एरिया के अंदर होल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस एक साथ लोड होंगे, लेकिन जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ये सभी एग्जीक्यूटिव कोड किस फंक्शंस के लिए, इसके अंदर एडिशन फंक्शंस एज वेल एज मेन फंक्शंस। लेकिन जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो एग्जीक्यूशन टाइम पर अगेन फंक्शंस का लोड होंगे स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर केवल उन्हीं फंक्शंस का एंट्री होगा जिन जो फंक्शंस करेंटली एग्जीक्यूशन में, ओनली एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम मेन फंक्शंस, किसी भी फंक्शंस को स्टैक में लोड करने का एग्जैक्टली भी नहीं क्या है, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शंस और वी कैन से ऑटो वेरिएबल ऑफ द फंक्शंस। मेन के अंदर टोटल 3 लोकल वेरिएबल्स अवेलेबल है, ए बी और सी, तीनों का ही डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो फाइनली एलोकेशन किसके लिए हुआ, सबसे पहले ए के लिए, देन बी के लिए, देन सी के लिए, मीन्स दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन फंक्शंस। मीन्स जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ मेन फंक्शंस का, तो मेन फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल एंटर होगा तो फाइनली इस मेन के रिस्पेक्ट में मेमोरी किसके लिए एलोकेट होगा, 3 वेरिएबल्स ए बी सी फ्रॉम बॉटम टू अप। नेक्स्ट वन, ए के केस में इनिशियल वैल्यू क्या असाइन हो रहा है, 10, बी के केस में 20, लेकिन सी का इनिशियल वैल्यू क्या है, अगर सी के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया था डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज गार्बेज। नेक्स्ट वन, थर्ड स्टेटमेंट, जैसे ये थर्ड स्टेटमेंट प्रोसेस हुआ तो अगेन इस स्टेटमेंट का टाइप क्या है, प्रीवियस सेशन में राइट डाउन किया था, दिस वन इज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट और ए और बी का टाइप क्या है, इसके हेयर ए एंड बी इज अ कंसीडर्ड एज फंक्शन आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट, और सॉरी फंक्शन आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट, नॉट अ फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट और सिंपली वी कैन से ओनली आर्गुमेंट्स। जब भी इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को प्रोसेस करेंगे इसका वर्किंग क्या है, सिंपली सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम बॉडी ऑफ कॉलिंग फंक्शन टू द बॉडी ऑफ कॉल्ड फंक्शंस। जैसे कहीं भी किसी भी प्लेस पर फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट अगर एनकाउंटर होता है फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल स्विच कहाँ होगा, फ्रॉम बॉडी ऑफ कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। इस केस में मेन क्या है, मेन इज अ कॉलिंग फंक्शन, क्यों इस केस में कॉल कौन कर रहा है, मेन, इसलिए मेन को कंसिडर करेंगे एज अ कॉलिंग। और एडिशन क्या है इस केस में, कॉल्ड फंक्शन, क्योंकि कॉल कौन हुआ इस केस में, एडिशन, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज कॉल्ड फंक्शंस। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आपको लाइन मार्क करना तो कंसिडर क्या करोगे, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट विल बी सेंड्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू
कॉल्ड फंक्शंस, मीन्स इमीडिएटली कंट्रोल का सेंड हुआ है कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शंस। देन जैसे ही अब इस केस में एग्जीक्यूशन किसका स्टार्ट होगा, ऐड का, मीन्स अभी मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन पेंडिंग में जाएगा इमीडिएट, मीन्स मेन के अंदर टोटल कितने स्टेटमेंट है 3, 1, 2, 3, लेकिन एग्जीक्यूशन कितने का कंप्लीट हुआ अभी ओनली 2, थर्ड स्टेटमेंट्स का भी रिमेनिंग पार्ट और पेंडिंग पार्ट। मीन्स इमीडिएटली अब प्रोसेस किसके लिए करेंगे, एडिशन। तो जब सेम है जैसे ही एडिशन फंक्शन कॉल होगा, अगेन एडिशन फंक्शन भी लोड का हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। इस किसी भी फंक्शंस को कॉल करने का मीनिंग क्या है, फंक्शंस को स्टैक में लोड करना, कोई भी फंक्शन ऑलवेज लोड का होगा टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट वन, अगेन जब मेन फंक्शन कॉल किया था तो मेन के अकॉर्डिंग मेन के लोकल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट करा, सिमिलरली जब एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो एडिशन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में मेमोरी किसके लिए एलोकेट कराएंगे, लोकल वेरिएबल ऑफ द एडिशन। एडिशन ऐड फंक्शन के अंदर टोटल 3 लोकल वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और रिजल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन में सिक्वेंस में सबसे पहले क्या फाउंड हो रहा है, एक्स देन वाई देन रिजल्ट। वन मोर थिंग्स, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ एग्जीक्यूशन टाइम पर बिफोर कॉलिंग दिस फंक्शंस, ए के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए, मेमोरी के अंदर ए का वैल्यू 10 फाउंड हो रहा है इसलिए रिप्लेस किया हुआ 10, बी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा वैल्यू ऑफ बी विच इज 20। देन इसे इस केस में 10 और 20 को कंसिडर करेंगे क्या, इनपुट टू द एडिशन फंक्शंस। जैसे फंक्शन कॉल हुए इनपुट पैरामीटर सेंड किसके लिए, कॉलिंग फंक्शंस के लिए। तो इस केस में करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट पैरामीटर साइन हुआ फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ऑफ, मीन्स फर्स्ट आर्गुमेंट किस में कॉपी हो रहा है फर्स्ट पैरामीटर में, और सेकेंड आर्गुमेंट किस में कॉपी होगा सेकेंड पैरामीटर्स, मीन्स जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू प्रोवाइड की सेम सीक्वेंस में असाइनमेंट परफॉर्म हुआ। मीन्स इसके अकॉर्डिंग एक्स में कैसा हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू एज 10 एंड वाई में कैसा हो जाएगा सेकेंड वैल्यू एज 20। देन एलोकेशन किसके लिए हुआ एक्स वाई, एक्स का इनिशियल वैल्यू कैसा हो जाएगा 10, वाई का वैल्यू कैसा हो जाएगा 20। मीन्स जैसे फंक्शन कॉल हुआ इस केस में ए और बी सप्लाई किए थे, तो ए के केस में ए का वैल्यू किस में कॉपी हो रहा करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर एक्स, बी का वैल्यू किस में कॉपी हो करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर वाई, या कॉपी ऑपरेशंस परफॉर्म। मीन्स अगर आप एक्स और वाई में कोई भी चेंजेस करो इस केस में ए और बी कभी अफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग्स, इसके जस्ट बाद मीन्स कंट्रोल का थर्ड, दिस वन इज अ फोर्थ स्टेटमेंट फोर्थ सिक्वेंस। देन फिफ्थ, मीन्स अगेन याद रखना इस केस में जैसे ही एडिशन फंक्शन कॉल हुआ देन इमीडिएटली मेमोरी किसके लिए एलोकेट करा स्टैक के अंदर, एडिशन फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स के लिए, कोई भी फंक्शन ऑलवेज लोड का होगा टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट वन बाई वन इसके बॉडी पार्ट सेशन बॉडी सेशन कंप्लीट करना रिजल्ट। एंड सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस के अकॉर्डिंग इस केस में एडिशन परफॉर्म हुआ एक्स प्लस वाई, देखा जाए तो टर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इस केस में पहले असाइनमेंट परफॉर्म हुआ पहले एडिशन, एडिशन ऑफ एक्स प्लस वाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एडिशन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीयू और प्रोसेसर। सीपीयू के अंदर इसको प्रोसेस कौन करेगा, एएलई यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलई यूनिट जब इसको प्रोसेस करेगा तो एक्स और वाई के केस में बात करें एडिशन किसका हो रहा है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई, एएलई यूनिट किसका पार्ट हो, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर विच इज डिफरेंट डिवाइस। एक्स और वाई किसका पार्ट है, एक्स एंड वाई इज अ पार्ट ऑफ रैम मेमोरी विच इज ऑल्सो डिफरेंट डिवाइस। मीन्स जिन ऑपरेंड्स को ऐड कराना है इन ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स अवेलेबल किस प्लेस में, इनसाइड रैम मेमोरी, रिक्वायर्ड किस प्लेस में, प्रोसेसर मेमोरी। मीन्स जब एडिशन परफॉर्म हो तो एडिशन के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू कॉपी किस में हो जाएगा सम रजिस्टर वैल्यूज मे बी बी एक्स सी एक्स लाइक दैट। सपोज दैट एक्स का वैल्यू मैंने कॉपी कर लिया बी एक्स में विच इज 10 एंड वाई का वैल्यू कॉपी कर लिया समथिंग सी एक्स विच इज 20। तो इस केस में रियल में जब एएलयू के थ्रू अर्थमेटिक एडिशन परफॉर्म होगा तो इस केस में ऐड क्या होगा वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स बी एक्स प्लस सी एक्स लाइक दैट। मीन्स इस केस में कोई भी रजिस्टर हो सकता नॉट ओनली बी एक्स और सी एक्स एनी रजिस्टर्स ओनली एजम्पशंस। देन इस केस में जब एडिशन परफॉर्म हो तो एडिशन के बाद मीन्स फिर से याद रखना प्रोसेसर्स के थ्रू एडिशन कभी भी डायरेक्टली वेरिएबल्स के लिए परफॉर्म नहीं होता, वेरिएबल्स के वैल्यू पहले रजिस्टर मेमोरी में कॉपी होंगे देन ओनली ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल है। नेक्स्ट थिंग्स, जब भी इस ऑपरेशन का कोई भी रिजल्ट जनरेट होगा तो रिजल्ट फिजिकली ऐसा हो रहा है रिजल्ट डायरेक्टली रिजल्ट वेरिएबल में असाइन होगा। मीन्स रिजल्ट्स भी कभी डायरेक्टली वेरिएबल्स में असाइन होंगे, असाइन किस होंगे सबसे पहले
एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑलवेज होल्ड क्या करेगा, रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन। तो लास्ट ऑपरेशन क्या है, एडिशन। एडिशन का रिजल्ट क्या है इस केस में, बी एक्स का वैल्यू क्या था 10, सी एक्स का वैल्यू क्या है 20, एडिशन इज 30। एडिशन असाइन किस में हुआ, इन साइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, मीन्स दैट वन, मीन्स इनके वैल्यू किस रजिस्टर में कॉपी होंगे इसकी श्योरिटी नहीं, लेकिन वन थिंग श्योर है, रिजल्ट किस रजिस्टर में साइन होगा, ऑलवेज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट क्या किया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। नेक्स्ट वन, वैल्यू एक्सपेक्ट किस प्लेस पर, इनसाइड वैल्यू रिजल्ट। सिमिलरली रिजल्ट मीन्स जहाँ भी आपने एक्सप्रेशन राइट किया रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ, एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स अंडरस्कोर ए एक्स। इसको जनरली एक्सेस करने का वे क्या, सी प्रोग्राम में अंडरस्कोर ए एक्स, इसे इंटरनली राइट डाउन हुआ, आपको कुछ भी राइट डाउन करने की नीड नहीं है। इसे ए एक्स का वैल्यू क्या हो चुका है एडिशन का 30, तो रिजल्ट में भी कैसा नहीं जाएगा, ऑल्सो 30। तो फाइनली रिजल्ट किस प्लेस पर है, इन साइड रैम मेमोरी, रैम मेमोरी के अंदर रिजल्ट वैल्यू का वैल्यू क्या होगा 30। फिर से याद रखना, एडिशन का जो भी रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में असाइन होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू किस में असाइन हो रहा है, इनसाइड रिजल्ट वेरिएबल और असाइंड वेरिएबल्स। नेक्स्ट थिंग्स, उसके बाद फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, इस प्लेस पर लॉजिकली क्या रिप्लेस हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू कितना असाइन हुआ, समथिंग 30, 30 कॉपी किस में हुआ, वेरिएबल रिजल्ट में, इसलिए रिजल्ट की वैल्यू क्या हो चुकी 30। नेक्स्ट वन सेवंथ स्टेटमेंट, जैसे इस केस में सेवंथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना है, इस स्टेटमेंट का टाइप क्या था, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इसका टाइप क्या है रिटर्न स्टेटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, जनरली टू टाइप्स के फंक्शंस हैं, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शंस। मीन्स इस केस में कितने फंक्शंस पार्टिसिपेट हुए हैं, कॉलिंग फंक्शन इज अ मेन, कॉल्ड फंक्शन इज अ ऐड। अगर आपको एग्जीक्यूशन कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के लिए सेंड करना है, यूज क्या करोगे, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट का वर्किंग क्या है, सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शंस। अगर कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के लिए कोई वैल्यू सप्लाई करना है, देन ये वैल्यू किस फॉर्म में सप्लाई होंगे, इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट और पैरामीटर्स लाइक दैट। सिमिलरली अगर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन के बॉडी से कॉलिंग फंक्शन के लिए वापस सेंड करना है, देन यूज क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का वर्किंग क्या है, सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन। सिमिलरली फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट का वर्किंग क्या, सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। तो करंट केस में मैन क्या है, मैन इज अ कॉलिंग फंक्शन एंड ऐड इज अ कॉल्ड फंक्शंस। नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर कंट्रोल का सेंड हुआ था फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। सिमिलरली जैसे इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ, तो रिटर्न के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इट्स कॉलिंग प्लेस, मीन सेम प्लेस जिस प्लेस पर कॉल हुआ था। सेवन के बाद इस स्टेटमेंट को मार्क करेंगे सिक्वेंस नंबर एज 8, दैट वन। नेक्स्ट थिंग्स, अगर कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन कॉल्ड फंक्शन के लिए कोई वैल्यू असाइन करना सेंड करना, तो वैल्यू किस फॉर्म में सप्लाई करोगे एज अ आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सिमिलरली और कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के लिए कोई वैल्यू रिटर्न कराना है, तो वैल्यू प्रोवाइड करोगे एज अ आर्ग्यूमेंट टू द रिटर्न स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट टू द रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिजल्ट के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ रिजल्ट, करंटली रिजल्ट का वैल्यू क्या है 30, तो रिप्लेस क्या हुआ 30, इसका लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ, इक्विवेलेंट रिटर्न 30 वैल्यू रिटर्न क्या हुआ, इट्स कॉलिंग प्लेस। वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट सेंड किया, देन आर्गुमेंट सेंड का होना आपको ऐसा लगता है वैल्यू डायरेक्टली रिप्लेस का हो जाएगा इन प्लेस ऑफ एड, मीन्स लाइक अ 30, नॉट ट्रू। मीन्स सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट को कैसे, रिटर्न स्टेटमेंट का प्रोसेस टू स्टेप्स में कंप्लीट हो। फर्स्ट स्टेप, असाइनिंग दिस रिजल्ट और आर्गुमेंट इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, अगेन इसका वैल्यू सबसे पहले कॉपी किस में होगा,
एक्यूमुलेटर रजिस्टर मीन्स रिसेंटली एडिशंस के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू क्या था, समथिंग 30। अगर रिटर्न के थ्रू वैल्यू क्या प्रोवाइड किया, 30, तो पहले 30 आर्गुमेंट किस में साइन होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो अगेन एक्यूमुलेटर रजिस्टर का न्यू वैल्यू क्या साइन हो जाएगा, एज अ 30। देन इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, इट्स कॉलिंग प्ले। फर्स्ट स्टेप असाइनिंग रिटर्न आर्गुमेंट इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू इट्स कॉलिंग प्लेस। मीन्स रियल में स्पेस पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, अब जहाँ भी आपने फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट मार्क किया था, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के प्लेस पर रियल में रिप्लेस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अगेन इसका मीनिंग क्या है, लाइक अंडरस्कोर ए एक्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू क्या है, 30। तो 30 कॉपी किस में जाएगा, इनसाइड वेरिएबल सी। अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी बिकम्स 30। मीन्स इसको फिर से स्पेशली चेक करेंगे, कहीं भी कोई एक्सप्रेशन राइट किया, एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सिमिलरली फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के प्लेस पर भी रिप्लेस क्या होगा, रियल केस में इस प्लेस पर क्या राइट डन किया था, लाइक दैट एड ए कॉमा बी। लेकिन इसके प्लेस पर रियल केस में रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर विच इज 30। इस रिटर्न से कोई वैल्यू इस प्लेस पर डायरेक्टली नहीं आएगा, सबसे पहले रिटर्न का वैल्यू असाइन किस में होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू रिप्लेस किसको करेगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को। इस टाइप से एग्जीक्यूशन प्रोसेस फिनिश हो रहा। वन मोर थिंग्स, जैसे ही कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर आएगा, फर्स्ट केस प्रीवियस केस में क्या था, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंड कहाँ होता है, फ्रॉम मेन फंक्शन टू एडिशन। सिमिलरली रिटर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ रहा है, फ्रॉम एडिशन टू मेन। जब कंट्रोल मेन फंक्शन से एडिशन फंक्शन के लिए सेंड हुआ था, परफॉर्म क्या हुआ था, मेमोरी एलोकेशन ऑफ लोकल वेरिएबल ऑफ एडिशन। सिमिलरली जब कंट्रोल वापस आ गया था, परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी डी एलोकेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स ऑफ एडिशन। मीन्स कंप्लीट ये वेरिएबल्स स्टैक से रिमूव हो जाएंगे। देन इसके बाद सी में क्या आसान हो चुका, 30। देन एट के बाद नाइन्थ स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ सी। चेक करो सी का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, 30। उसके इसमें फाइनली आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी प्रिंटेड एज रिजल्ट कॉलम परसेंट डी के प्लेस पर सी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सी का वैल्यू क्या, 30। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन। अगेन फिर से इसके हाईलाइट्स प्रोवाइड करें, इन दैट केस मीन्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। जब भी कोई प्रोग्राम सॉल्व करोगे तो प्रोग्राम सॉल्व किस फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टैक मेमोरी। किसी भी फंक्शन का जैसे ही कॉलिंग परफॉर्म होगा, कॉलिंग के अकॉर्डिंग फंक्शन लोड कहाँ होगा, ऑलवेज टॉप ऑफ द स्टैक। और किसी फंक्शन को स्टैक के टॉप में लोड करने का एग्जैक्टली मीनिंग क्या, फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स के लिए मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करना। लोकल वेरिएबल्स मीन्स ओनली ऑटो वेरिएबल्स, नॉट अ स्टैटिक और सम अदर केस। मीन्स ऑटो वेरिएबल्स कंक्रीट हो इन साइड स्टैक। नेक्स्ट वन, जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, एक्सप्रेशन के रिजल्ट किस फॉर्म में साइन होगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और एक्सप्रेशन के प्लेसेस पर ऑलवेज रिप्लेस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सिमिलरली कहीं भी अगर फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉलिंग के प्लेस पर रियल में रिप्लेस क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग प्लेस पर आएगा, देन परफॉर्म क्या हुआ, डी एलोकेशन ऑफ ऑल लोकल वैल्यू ऑफ द कॉल्ड फंक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगेन वी आर हाईलाइटिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न जनरली टू फॉर्म में राइट डाउन करना पॉसिबल है, रिटर्न विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट, लाइक दैट रिटर्न सम वैल्यू 2.5 और एनी वैल्यू, और लाइक दैट रिटर्न विदाउट एनी आर्गुमेंट। दोनों केस वैलिड है। रिटर्न के थ्रू कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करना पॉसिबल नहीं। मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, क्योंकि रिटर्न वैल्यू के रिटर्न के थ्रू जो वैल्यू असाइन सेंड करोगे, वैल्यू असाइन किस में होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एट ए टाइम ओनली सिंगल वैल्यू होल्ड करना पॉसिबल, इसलिए किसी भी फंक्शन से मैक्सिमम कितने रिजल्ट रिटर्न करना पॉसिबल, ओनली सिंगल रिजल्ट। रिटर्न विद आर्गुमेंट, विद आर्गुमेंट का प्रोसेस टू स्टेप्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन, असाइनिंग दिस आर्गुमेंट इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, देन सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू इट्स कॉलिंग प्लेस। लेकिन रिटर्न विदाउट आर्गुमेंट का वर्किंग क्या है, ओनली सेकेंड वर्किंग, मीन्स सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू इट्स कॉलिंग प्लेस विदाउट एनी वैल्यू। इस केस में कोई रिजल्ट रिटर्न होने के चांसेस नहीं है। क्लियर।